उसमें आओ, उसमें आओ, उसमें आओ, पीएचडी विभाग है उसमें आओ, उसमें आओ, उसमें आओ, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर वाटी उपखंड के ग्राम पंचायत ककराना में मैं मौजूद हूं, और जिस प्रकार से बात करें तो जल जीवन मिशन योजना के तहत काफ़ी गांव में जो है पानी की ट्यूबवेल वगैरह लगाई जा रही है, टंकियाँ बनाई जा रही है। इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो ककराना ग्राम पंचायत में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी टंकी यहाँ पर बनाई गई है, जल जीवन मिशन योजना के तहत ये बनाई गई है जैसा कि हमें जानकारी मिली है। और आज ग्रामीण काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? टंकी बन गई इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूरी बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से आपको मिलवाएंगे कि किस मामले को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, बातचीत करेंगे। जी, आज इतने लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों? पहले तो आपके चंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ के हमारी मीडिया के द्वारा अंधे अधिकारी अंधे सरकार को आप भेज रहे हैं। जी, ये योजना कांग्रेस सरकार में लाई गई थी, कांग्रेस सरकार ने जल मिशन में हमारे गांव में टंकी और पाइपलाइन डाली। कुछ पाइपलाइन अधूरी पड़ी है आचार संहिता के कारण, और दो बोरिंग अभी बाकी है। और हम यो जो बलबीर एन है उसको बार बार कह चुके, कोई फोन नहीं उठाता, एक्शन पीएचडी का फोन नहीं उठा रहा है, और कोई भी अधिकारी सबके जाके हमने ज्ञापन दे के हैं। इस टंकी बने 6 महीने हो गए, ये टंकी फूटने के कंगार पे है, इसमें पानी नहीं भरा गया, तो ये टंकी सरकार का पैसा व्यर्थ जाएगा। कांग्रेस सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, तो जल मिशन योजना लाके हर गांव को हर घर को जोड़ने का प्रयास किया जी। कोई कारणवश कांग्रेस सरकार नहीं आई, हम बीजेपी सरकार को कह देना चाहते हैं, आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप जल्द जल मिशन योजना को पूरे क्षेत्र में जोड़ने की कोशिश करें, नहीं बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये कांग्रेस सरकार की बनाई हुई, हमारे 2 बोरिंग बाकी है, आपके अधिकारी जो भी हैं बार बार जाते हैं, कोई फोन उठा, कोई हमारे को वहाँ उम्मीद नहीं लग रही है। मतलब मेन समस्या ये है कि टंकी बने हुए 6 महीने हो गए और इसमें पानी की व्यवस्था भी नहीं करवाई, अभी तक एक बूंद नहीं, ये टंकी फाड़ने कंगार पे, सरकार का पैसा लगा व्यस्त जाएगा। ये टंकी बहुत अच्छी टंकी बनाई, जान मान की भी हानि हो सकती है, यहाँ भी घर भी बिल्कुल रोड है, गिर भी किसी, इसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं है, 6 महीने टंकी होगी, सीमेंट जहाँ होती है उसको पानी की तलाई की जरूरत होती है, ये टंकी बनने के बाद में इसकी नहीं कोई तलाई की है, नहीं इसमें पानी डाला है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी कहना चाहते हैं कि आप हमारी जल मिशन योजना को आके यहाँ देखें, और घर घर लैंड दबी हुई है, कुछ लैंड बाकी है वो डलवाएं, हमारे 2 बोरिंग बाकी है जल मिशन के, उनको बोरिंग करा के हमारी टंकी को चालू करें, नहीं इस गांव के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ये 5-7 दिन के अंदर नहीं चालू हुआ तो हम थाने को घेरेंगे, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, तहसील में धरना देंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थानीय सरपंच की भी इसमें, मतलब ग्राम पंचायत के, उसके ग्राम पंचायत में टंकी है, उनका भी क्राइटेरिया आता है, उनका क्या कुछ कहना? सरपंच तो हमारा बना नहीं बना बराबर है, सरपंच कोई रोल नहीं करता ककड़ा गांव के अंदर, सरपंच को कुछ भी कहो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, सरपंच तो हमारा गांव में ये मान लो सरपंच है नहीं, सरपंच कोई काम करने में योग्य नहीं है, अगर सरपंच योग्य होता तो सरपंच इस योजना का अध्यक्ष है, अधिकारियों के नाथ गाल सकता हो, जो पेमेंट मिलेगा सरपंच के सहन बगैर, सरपंच इस योजना का अध्यक्ष है। हम सरपंच से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी मांग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाओ, नहीं आंदोलन में आपका भी, आपको भी साथ लेंगे, साथ में हम पंचायत समिति पंचायत में आपको घेरेंगे, और ये जितने अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के उनको सबको एक बार और आपके मीडियम के माध्यम से कहना चाहते हैं, 5 दिन हमारा समाधान कर दो, नहीं हम बड़ा आंदोलन करेंगे, पानी हमारी टंकी फूट सकते हैं, जान मान की हानि हो सकती है, इसका जवाबदार प्रशासन होगा। जी 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 बाबा, राम राम। राम राम। आज क्या बेड़ा हो रहे हो? राम राम। पानी के लिए? पानी के लिए। पानी आ रहे कोने की टंकी में? हाँ। गाल रहा कोने की बेड़ा? हाँ जी, पानी की समस्या, पानी की समस्या। अच्छा, तो अभी अधिकारी को आपने अवगत करवाया, क्या वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता? अधिकारियों कोई बातचीत हुई? ना कोई। जी हाँ जी, पानी की समस्या, पानी की समस्या ही है, मतलब इस टैंक में पानी नहीं आ रहा, बस ये समस्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो कितने घरों में पानी पहुंचता है सर इनसे यहाँ बात करें? 7-8 सौ घर तो है ही, सबके अंदर परेशानी पानी की, तो
लेकिन पहले तो टंकी नहीं बनती, टंकी बन गई तो अब नई समस्या, अब नई समस्या खड़ी होगी। वो पाइप खड़े कर दी तो बहुत दिखती तो मन और बलता है, पानी कदा अच्छा पानी आसी, उम्मीद तो है पानी आसी, लेकिन वो आओ कर दे, आओ कर दे वो यो कर मेरो पड़ो। लेकिन यो खतरो हो रही, खाली टंकी रह रही है, खाली रह रही है, साधन जाए रोड कन रहेगी, पड़ मरे ही खाली सीमेंट पड़ेगी। सही बात है। तो देखिए काफी युवा भी है और काफी लोग यहाँ पे है, और ग्राम पंचायत ककराना के पूर्व जो सरपंच है शीशराम जी खटाना, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि हमारी समस्या का समाधान अगर प्रशासन नहीं करता है तो आगे आने वाले दिनों में हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। पंचायत को घेरने की नौबत आएगी तो पंचायत भी घेरेंगे, तहसील को भी हम घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत ये टंकी बनी थी लेकिन पिछले 6 महीनों से इनकी कोई सूद नहीं ले रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच भी पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर रहे हैं। आज इसमें पानी नहीं डाला जा रहा, कल बड़ी कोई अनहोनी हो जाएगी तब कोई अधिकारी यहाँ पे आएगा और सांत्वना देगा, तब से उससे पहले यहाँ इस टंकी में पानी सुचारू रूप से शुरू करें, क्योंकि खाली टंकी है, ये कह रहे हैं कि गिरने का भी अंदेशा है, तो अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और जी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और इन लोगों की समस्याओं का निजात दे, वरना इन लोगों ने चेतावनी दी है कि हम धरना प्रदर्शन आंदोलन पर भी आएंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। ककराना से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे थे।